महेश्वरी श्री भैरवनाथ देवता माँ भगवती जगजननी जगदम्बा उनका आशीर्वाद स्नेह और यहाँ पे मेले की भी तैयारियाँ चल रही है, चारों ओर से दुकानें चरखियाँ वगैरह लगातार जो हमारी तमाम देवी डोलियाँ गांव-गांव से तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर आती है। भगवान हमारे देवता जो है ये शुद्ध सनातनी है, गोवध होने की दशा में ये इतने दुखित हुए कि इन्हें इंद्रप्रस्थ को छोड़ना पड़ा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे आप सभी के हाल? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी करीब 10:30 हो रहा है और आज की वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आज चारों ओर बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है हमारे गांव से, और आज जो धुंधलापन है वो भी कम हो रखा है। बाकी चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है चारों ओर का नज़ारा। और आज 14 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति है, तो पहाड़ों के सभी जो देवी देवता होते हैं ना, वो गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं। बाकी इस बार मकर संक्रांति 2 दिन की हो रही है, 14 और 15 तारीख की। बाकी आज से उत्तरकाशी में माघ मेले का भी आयोजन होता है लगभग 24 तारीख तक। तो आज मेले का भी उद्घाटन करने जाएंगे देवता। बाकी कल सुबह गंगा स्नान घाट में देवता स्नान करेंगे। और आज और कल उत्तरकाशी के अलग अलग गाँव की देव डोलियां उत्तरकाशी गंगा मैया में स्नान करने के लिए आएंगे। अब एक बार चलते हैं ऊपर गांव में। ऊपर गांव में देव डोली भी तैयार हो गई है उत्तरकाशी जाने के लिए। मैं ऊपर के लिए रास्ता लग रहा था, तो वैसी ऊपर से देव डोली ना आधे रास्ते में आ चुकी थी। अभी रुचि तैयार हो रखी है देव डोली के आगे आगे ना, तांबे के लोटे में जल भरा हुआ है, और जल को ना देवता के आगे आगे छिड़का जाएगा ताकि जो रास्ता है वो स्वच्छ हो जाए। सभी लोग अभी देव डोली के साथ गांव के मंदिर पे आए हुए हैं। यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा करनी है और उसके बाद देवता पे देवांश आएगा, तो देवता सभी पे आशीर्वाद देंगे और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे उत्तरकाशी की ओर। चलिए भाई दोस्तों, अब इसी के साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं उत्तरकाशी की ओर। अभी देव डोली को ना गाड़ी के छत पे रखा जा रहा है। बाकी यहाँ से ना अलेत गांव और धनपुर गांव के लोग जुड़ चुके हैं। बाकी धनपुर गांव की देव डोली भी जुड़ चुकी है नरसिंह देवता की। तो अब यहाँ से निकल पड़ते हैं उत्तरकाशी की ओर। अभी हम जोशियाड़ा में पहुंच चुके हैं। बाकी अभी देव डोली के साथ सभी लोग निकल चुके हैं आगे की ओर, और सबसे पहले अभी जाएंगे गंगा मंदिर पे देवता के साथ, आपको भी ले चलते हैं। चलिए भाई दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं माँ गंगा मैया के मंदिर पे। बाकी यहाँ पे है गंगा
स्नान घाट, तो यहीं पे देव डोली स्नान करेगी। बाकी देव डोली कल स्नान करेगी, आज जो भी गांव के लोगों द्वारा अपने घर के जो देवी देवता रहते हैं ना, जिनको घर में ही पूजते हैं, उनका यहां पे स्नान किया जाएगा। बाकी उसके बाद कल सुबह देवता टाइम देंगे, तो कल उस टाइम पे यहां पे देव डोली का स्नान होगा। बाकी अभी यहां पे देव डोली पे देवांश आएगा और भी देव डोलियां आएंगी, उनका मिलन होगा, तो काफ़ी सारे कार्यक्रम होंगे और मेले का उद्घाटन भी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। बाकी आज थोड़ा सा मौसम ऐसा धुंधला सा हो रखा है, धूप भी अच्छे से नहीं आ रखी है। और अब जैसे ही गंगा स्नान घाट पे देव डोली आई, वैसे देखिए चारों ओर खूब सारे लोग आने लग गए हैं देव डोली के दर्शन के लिए। अभी यहां से देव डोली चली गई है माँ गंगा मैया के मंदिर के अंदर, वहां पे दर्शन करने के लिए, और यहां पे लगे हुए हैं सभी लोग पंच स्नान करने पे। स्थानीय लोग जो है श्री छत्रधारी गंडियाल देवता के नाम से जानते हैं। ये महाभारत युद्ध के दौरान ये जो है, जब इंद्रप्रस्थ में जो है इनको जो है वहाँ पर स्थान दिया गया था देवताओं द्वारा, एवं साथ में वरदान दिया गया था कि आप जो है इतनी महान शक्ति थे और इनके साथ कुछ जो है जो भी उस समय रहा होगा, तो उसके चलते जो है देवताओं ने कहा था कि आप जो है हमेशा सदी दर सदी आप जो है बद्रीनाथ भगवान के जो द्वारपाल रहेंगे। और इनको जो है स्थान दिया गया था इंद्रप्रस्थ में। वहाँ पर जब मुगलों का जो है हमारे देश में आक्रमण हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे जैसे ही गोवध हुआ, तो हमारे देवता जो है ये शुद्ध सनातनी है, गोवध होने की दशा में ये इतने दुखित हुए कि इन्हें इंद्रप्रस्थ को छोड़ना पड़ा। इंद्रप्रस्थ को जब इन्होंने छोड़ा, तो जो है ये इन्होंने जो है पहाड़ उत्तराखंड की तरफ रुख किया। तो ये सबसे पहले उत्तराखंड में जो है ये पीली पालकोट जगह है, वहाँ पर जो है आए थे। वहाँ से जो है जब ये धीरे धीरे हमारे जो ये पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनके पीछे पीछे, फिर ये जो है यहाँ घनसाली के साइड जो है ये गंगी जेवाड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ से पहुँचते पहुँचते हमारे कोई बुजुर्ग जो है जो बकरवाल का काम करते थे, उनके साथ साथ जो है ये यहाँ पर अलेज गाँव तक पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो है आज जो है इनको जो है लोग बड़ी श्रद्धा भाव से जो है मानते और पूजते हैं। तो अभी माँ गंगा मंदिर के प्रांगण में देव डोली विश्राम कर रही थी, और मंदिर में तो लोक लगा हुआ है तो दर्शन नहीं हुए। बाकी यहाँ पे मीडिया वाले आए थे मेरू रेबार न्यूज चैनल करके, तो उनके द्वारा गांव के लोगों से पूछा गया देव डोली के बारे में, इस महोत्सव के बारे में, तो काफ़ी कुछ नई जानकारी देखने को मिली, सुनने को मिली। तो अब यहाँ से देव डोली तैयार हो गई है जाने के लिए, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई दोस्तों, अभी रामलीला फील्ड पे हमने एंटर कर दिया है और यहाँ पे मेले की भी तैयारियाँ चल रही है चारों ओर से, दुकानें चरखियाँ वगैरह सभी की तैयारियाँ अभी जारी है। बाकी अभी देव डोली के साथ जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर पे, फिर उसके बाद हनुमान मंदिर पे। जय काशी विश्वनाथ। जय बोल छत्र गंडियाल देवता की। जय काशी विश्वनाथ, जय छत्रधारी। काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं देव डोली के साथ दर्शन किए, तो ये सौभाग्य हर बार नहीं मिलता है, तो काफी अच्छा लगा। Thank you.
दोस्तों अभी आए हैं हनुमान मंदिर पे। बाकी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि देवता के साथ काफी जल्दी जल्दी चलना हो रहा है, इस बीच वीडियो बनाने को ही नहीं हो पा रहा। बाकी अभी यहाँ हनुमान मंदिर पे आए हैं, दर्शन भी हो गए हैं, तो अब यहाँ से भी निकल पड़ते हैं। तो अभी हम आए हैं रामलीला मैदान में। यहाँ पे काफी सारी देव डोलियां आई हुई है मेले का उद्घाटन करने के लिए। तो श्री छत्र घंडियाल देवता की देव डोली भी इस आयोजन में शामिल है। अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी हैं, उनके नेतृत्व में देवताओं को माल्यार्पण पुष्पार्चन पूजा अर्चना के साथ मंच पर देवी देवताओं का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। भगवान कंडार देवता हरि महाराज, माखंड द्वारी श्रीनाथ बुद्ध नाग देवता नाग राजा, शंकर बुढ़ा कंडार देवता खंडाल देवता, सभी देवी देवताओं से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा ये कार्य निर्विघ्न श्री छत्र घंडियाल देवता सभी देवी देवताओं से यही आशीष मांगते हैं, यही कामना करते हैं कि आपका स्नेह आपका जो आशीर्वाद है वो हमारे जनपद हमारे राज्य हमारे देश पर बना रहे। तो यहाँ पे मेले के उद्घाटन के लिए कलश यात्रा किया जा रहा है। और देवताओं के अवतारी के रूप में यहाँ पर हमारे बीच इस माघ मेले का उद्घाटन और तमाम देव डोलियों के स्थान से आए हुए समस्त ग्रामीण सभी का इस मंच के माध्यम से हमारी जिला पंचायत की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवती जगजननी जगदम्बा, उसके द्वारा सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद, इसलिए आपका भी देवता श्री नागराजा देवता और समस्त यहाँ पर जो मंच पर जो सभी देव शक्तियां यहाँ मौजूद हैं उनका आशीर्वाद स्नेह और सानिध्य जो
आज ने आजीवन काल जब हम बच्चे थे उससे पहले भी, क्योंकि ये हमारा पौराणिक मेला है और ये मेला एक मिलाप का मेला है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी सांस्कृतिक है उसको कैसे बचाया जा सके, और लगातार जो हमारी तमाम देवी ढोलियाँ गांव-गांव से तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर आती है। भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी है, माँ गंगा का स्थान है और माँ गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचती है। तमाम देवी डोलियों का नृत्य यहाँ पर होता है, तमाम पांडवों की जो रासलीला वो यहाँ पर होती है, और जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति में जो हमारे तमाम कलाकारों के अंदर जो कला छुपी होती है वो आगे बढ़ने के लिए इस मंच से जो है पूरे देश और विदेश से जो गोस्वामी गणेश विद्या मंदिर की छात्राएं कृपया आप लोग अपना गणेश वंदना प्रारंभ करें। नमः काय सूर्य कोटि नमः प्रभ निर्विघ्नं कुर्मे सर्व कार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय चलिए भाई दोस्तों, अभी है मेले का उद्घाटन भी हो गया है, बिल्कुल विधि विधान के साथ मेले का उद्घाटन किया गया। बाकी गंगोत्री विधानसभा के विधायक जी आए थे तो उनके द्वारा भी यहां पे मेले का उद्घाटन किया गया। बाकी अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा यहां पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं।